सबसे पहले मैं टॉपिक की हेडिंग डाल रही हूँ, डिमांड। अब डिमांड इकोनॉमिक्स में ये डिमांड यानी मांग शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स? हमारी अर्थशास्त्र में मांग का शब्द का मतलब क्या है? अब डिमांड इज ऑलवेज बैक्ड बाय परचेसिंग पावर, याद रखिएगा। हम इकोनॉमिक्स में वही डिमांड कंसिडर करते हैं जो कि परचेसिंग पावर के द्वारा बैक्ड अप हो। इसका मतलब क्या है? यानी सिर्फ किसी चीज की ख्वाहिश कर लेना डिमांड नहीं कहलाती। डिमांड में ख्वाहिश होने के साथ साथ आपके जेब में उसे खरीदने का पैसा मौजूद हो, आपकी हैसियत हो, दैट इज कंसिडर्ड एज डिमांड। इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, देखो ख्वाहिश करने को तो लोग बहुत सारी ख्वाहिश कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ख्वाहिश करूं तो मैं तो बैठे बैठे यहां पर ख्वाहिश कर लेती हूँ कि यार मुझे भी बुर्ज अल खलीफा खरीदना है ना। ख्वाहिश तो ख्वाहिश है यार, कुछ भी हो सकती है। मैंने ख्वाहिश कर ली कि मुझे बुर्ज अल खलीफा खरीदना है। अब वो खरीदना है या मुझे वो चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिमांड हो गई। नहीं, क्या उसको खरीदने का मेरे जेब में पैसा है? तो नहीं है। अरे मैं किसी से कहूंगी ना तो कोई मुझे दिलाने वाला भी तैयार नहीं होगा, यार क्या डिमांड कर रही हूं, है ना। तो यहां पर ध्यान से समझो, एक होती है चीज सिर्फ किसी चीज की ख्वाहिश करना, किसी चीज की सिर्फ इच्छा करना। अच्छा, सिर्फ इच्छा डिमांड इकोनॉमिक्स में नहीं गिनी जाती कि भाई चार लोग खड़े हो गए, चारों लोग कह रहे हैं कि हमें बुर्ज खलीफा खरीदना है तो भाई बहुत डिमांड हो गई उसकी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। डिमांड हमेशा उसकी होगी जो कि हमेशा परचेजिंग पावर के द्वारा बैक्ड अप हो। परचेजिंग पावर के द्वारा बैक्ड अप हो का मतलब यह है कि उसके पीछे खरीदने के लिए आपके पास जेब में पैसा होना जरूरी है। तो याद रखिएगा, डिमांड इज ऑलवेज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। इसके लिए आपके पास क्रय शक्ति होना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यहीं से आ सकता है कि व्हाट इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। डिमांड मींस डिमांड विद परचेसिंग पावर, क्रय शक्ति के साथ। अगर आप किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं, क्रय शक्ति यानी आपके पास उसको खरीदने का पैसा होना चाहिए, इसके साथ आप किसी चीज की इच्छा कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। इसे हम क्या कहते हैं? डिमांड नाम से जानते हैं। इतना समझ में आया? पहले तो ये बताओ।